I told you. You'd die for that. You should have gone for the head. What did you do? I went for the head. इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने हाफ ऑफ द यूनिवर्स को वाइप आउट करके सबके दिमाग में यही क्वेश्चन अराइज कर दिया था कि क्यों आखिर थैनोस ने ऐसा किया क्यों। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैं काफी लेट हो गया हूँ। स्टिल आज भी बहुत लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि थैनोस ने जो किया था वो एक्चुअल में बहुत सही किया था। मतलब वो दुनिया को खत्म नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली में दुनिया को बचा रहा था। और वो कैसे वो आगे वीडियो में बताता हूँ ना, अभी तो वीडियो बस शुरू हुई है। थैनोस टाइटन स्पीशीज का था एंड जिस प्लेनेट पर वो रहता था उस प्लेनेट पर काफी अच्छे दिन चल रहे थे। धीरे धीरे ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन उसके प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज खत्म होते गए एंड उसके लोगों को बहुत सफर करना पड़ा एंड काफी टाइटन्स मरे भी एंड उसकी पूरी स्पीशीज डिप्लीट हो ही चुकी थी कि अचानक से उसे एक आइडिया आया। यू नो थैनोस बीइंग कर्स्ड विद नॉलेज, उसने सोचा कि यार सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके हाफ ऑफ द यूनिवर्स को मिटा दूं ताकि यूनिवर्स में बैलेंस बना रहे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार कुछ भी बट एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, अगर थैनोस ऐसा नहीं करता तो पूरा प्लेनेट ही खत्म हो जाता। एंड अगर उसने ऐसा किया देन देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ एवरी स्पीशीज टू बी ऑन देयर रिस्पेक्टिव प्लेनेट फॉर नेक्स्ट मिलियन ऑफ इयर्स। यार जो भी हो, ये तो मानने वाली बात है कि थैनोस के इरादे नेक थे, भले उसका तरीका गलत। एक और बात, अब जब मार्वल ने थोड़ा बहुत क्लियर कर ही दिया है कि गैलेक्टस भी देखने को मिलेगा प्रोबेबली फेज 4 में ही, अब जो लोग गैलेक्टस को नहीं जानते उन्हें पहले ही बता दूं, गैलेक्टस एमसीयू का एक ऐसा सुपर विलन है हु ईट्स प्लैनेट्स एंड गैलेक्टस बीइंग अ प्लैनेट ईटर मोस्टली उन्हीं प्लैनेट्स को खाता है जिन पर लाइफ एनर्जी काफी ज्यादा होती है। एंड कुछ कॉमिक्स में तो ये भी बताया है कि थैनोस का जो प्लैनेट था वो नेचुरल फिनोमेना या फिर क्लाइमेट चेंज से नहीं खत्म हुआ था, बल्कि गैलेक्टस ने थैनोस के प्लैनेट को खाया था क्योंकि उस पर लाइफ एनर्जी मतलब पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो गई थी। सो अगेन थैनोस बीइंग कर्स्ड विद नॉलेज फिगर्ड आउट कि अगर इस यूनिवर्स के प्लैनेट की लाइफ फॉर्म्स आदि हो जाएं तो, जो कि उसने किया था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, तो गैलेक्टस से किसी प्लैनेट को खतरा नहीं होगा एंड मे बी गैलेक्टस किसी और यूनिवर्स में चला जाए। बट नहीं, अवेंजर्स बीइंग अवेंजर्स थैनोस को मारकर गैलेक्टस जैसी बड़ी मुसीबत को दोनों बाहें खोलकर बुला रहे हैं। अब गैलेक्टस का आना तो पक्का है कुछ सालों में, बट व्हाटएवर थैनोस डिड वाज जस्ट टू सेव द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट वाइपिंग इट आउट फॉर नो रीजन। सो दिस इज हाउ थैनोस डिड द राइट थिंग हेंस प्रूव्ड। अब कुछ लोग सोचेंगे कि बस यार इतनी सी बात थी भाई, पूरा यूनिवर्स खत्म होने वाला था तुम कह रहे हो इतनी सी बात थी। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही एंड अगर नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो यार। वो जो सब्सक्राइब बटन है ना, उस पर चाहे थैनोस के गॉन्टलेट से मुक्का मारो या फिर आधार वाला अंगूठा, बस वो बटन क्लिक हो जाना चाहिए। और यार वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक भी जरूर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाएगा कुत्ते की मौत। What is love?